नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिना तेल के चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार ये चिकन करी बना के ज़रूर देखिएगा। आप किसी को भी अगर ये चिकन करी खिलाओगे वो बता ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे बिना ऑयल के बनाया है। तो आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 किलो चिकन। चिकन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चिकन को अभी हम रखेंगे साइड में और जिस कढ़ाई में हम बनाएंगे वो ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे हम यहाँ पे 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आते हैं। 3 चम्मच हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अच्छे से ना मसाले इस तरीके से टाइट हाथों से मिक्स करते रहेंगे प्याज टमाटर को। इस टाइम हम नमक ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इस टाइम नमक ऐड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देता है ये चिकन, जो खाने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। देखिए अच्छे से मैंने हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे चिकन। चिकन डालने के बाद हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे। देखिए पंद्रह से 20 मिनट हम ढक के रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पे चिकन कम लेते हो तो मसाले भी आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अच्छे से मैंने चिकन में मसाले मिक्स कर लिया है। अब हम ढक के कम 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम रेसिपी शुरू करते हैं। 20 मिनट बाद हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। ले लेंगे यहाँ पे 15 से 20 ब्लैक पेपर, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे साबुत धनिया, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे साबुत जीरा, 2 हम डालेंगे लौंग, साथ ही डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले को रोस्ट कर लेंगे। और पूरी तरीके से मसाले को पहले हम ठंडा करेंगे, फिर मिक्सी के जार में डाल के हम पाउडर तैयार कर लेंगे। 1 मिनट बाद मसाले का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम पैन को निकाल के साइड में रखेंगे और जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम मिक्सी के जार में डाल के पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम चिकन वाला पैन गैस पे चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और 4 से 5 मिनट पहले हम चिकन को बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे, फिर हम चिकन को ढक के पकाएंगे। दो मिनट हो गए चिकन को हमें हाई फ्लेम में भूनते हुए और हम 3-4 मिनट भूनेंगे, फिर हम चिकन को ढक के पकाएंगे। और आप देख सकते हो अभी भी कितना एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है और नमक डालते तो और ज़्यादा पानी यहाँ पे निकल आता। 5 मिनट हो गए चिकन को हमें हाई फ्लेम में भूनते हुए
अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और जो मसाले हमने पाउडर बना के रखे थे वो डाल देंगे। एक चम्मच हम बचा देंगे, लास्ट में ऐड करेंगे और बाकी मसाला हम यहाँ पे डाल देंगे। एक बार हम मिक्स करेंगे। और पैन को कवर कर देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। और बीच बीच में खोल के आप एक से दो बार चेक भी करते रहिएगा, जिससे चिकन नीचे ना चिपके। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और 10-12 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 10-12 मिनट बाद मैंने बीज में खोल के 2 से 3 बार स्पैचुला से चला लिया था और आप देख सकते हो चिकन का हमारा कलर कितना अच्छा है। आप इस तरीके से चिकन बनाएंगे ना, अगर किसी को बताएंगे नहीं कि ये बिना तेल का है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये चिकन एक बूंद भी तेल डाले बिना बनाए हो। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी, हल्का तवे में हम रोस्ट करते हुए डालेंगे, थोड़ा सा क्रश करके। और मैं यहाँ पे गरम मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो यहाँ पे भुने हुए मसाले डाला है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे गरम मसाले ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाले डाल सकते हो। और जो बचे हुए मसाले था वो मैंने डाल दिया है। अब हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे हम यहाँ पर करीब 1 कप पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। ना हमने इस चिकन करी में दही डाला है और ना ही हम क्रीम का यूज़ करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे करीब 1 कप पानी। फिर से हम पैन को कवर कर देंगे 12 से 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर आपको आलू डालना पसंद हो चिकन में तो आप यहाँ पर आलू डाल सकते हो। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम मीडियम करके हम ढक देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया और हल्का मैं ग्रेवी को और ड्राई कर लूँगी। 2 मिनट हम खोल के चिकन को और पकाएंगे। अगर आप इस टाइम गैस का फ्लेम बंद करना चाहो, इतना ग्रेवी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। दो मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे हम 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद मैं आपको चिकन करी सर्व करके दिखाती हूँ। 2 मिनट बाद हम चिकन को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में और आप देख सकते हो ये चिकन करी देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप चावल रोटी किसी के साथ भी इस चिकन करी को खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के चिकन करी की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।